हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वॉरियर हब में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो फ्रेंड्स, एक बार आपको बता दूं कि जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, तो फ्रेंड्स उसमें लेक्चर में हमने बात की थी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में, जैसे हार्ट के बारे में हमने उसमें बात की थी, उसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हमने पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, पीसीआई सिलेबस के अनुसार हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने हैब की फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक खुशखबरी और दे दूं आपको। तो फ्रेंड्स, खुशखबरी ये है आपके लिए कि फ्रेंड्स बहुत जल्दी हम क्या करने वाले हैं, एक न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी रिव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको नए नए रिव्यू देखने को मिलेंगे, मेडिसिन के रिव्यू देखने को मिले आपको भरपूर जानकारी से जो सम्मिलित होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, फिर आपको बताता हूँ कुछ और थोड़ा सा उसके बारे में बताऊँ डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, मतलब उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानें, कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, क्या स्कोप होता है हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, ये सब हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दो टर्म यहाँ पे यूज की गई है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम एनाटॉमी से स्टार्ट करते हैं, उसकी डेफिनेशन जानेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से सुने और लास्ट तक जरूर देखें, बिना स्किप किए ध्यान से सुने और कमेंट जरूर करें, जहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का जरूर आंसर दे जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं, और फ्रेंड्स प्लीज शेयर करते चलिए, प्लीज शेयर प्लीज, मजा आएगा मुझे भी पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मजा आएगा, प्लीज शेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं एनाटॉमी की ओर। तो एनाटॉमी क्या कहती है, एनाटॉमी क्या है, स्ट्रक्चर है, क्या है, स्टडी है, एक स्टडी है किसी स्ट्रक्चर के बारे में, क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ए स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी, मतलब इसने क्या कहा कि स्टडी है एक स्ट्रक्चर की और मॉर्फोलॉजी, मतलब क्या होते हैं, क्या है कि कोई स्ट्रक्चर है हमारा, जैसे आपको पता है कोई ढांचा होता है भाई, कोई हम घर को तैयार करते हैं तो क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, जैसे उसका क्या करते हैं आप उसका मैप बनवाते हो, आपने कहीं पर देखा होगा हड्डियों का ढांचा देखा होगा आपने कहीं में, तो उसके आसपास आप हिंदी में कंकाल कहते हो, तो क्या वही स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या ये क्या है एनाटॉमी, क्या है कि स्टडी होती है उस स्ट्रक्चर के बारे में या उसकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उसको बाहर से देखने में कैसा लगता है वो, मतलब उसका आउटर सरफेस कैसा है, तो उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी, और स्ट्रक्चर आपको मतलब उसका ढांचा कैसा है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, जो हमारी एनाटॉमी होती है वो क्या है, स्टडी है इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, और बॉडी किसकी, किसी बॉडी की क्या है उसकी स्टडी करते हैं, उसके किसमें, एनाटॉमी में। और क्या कहा उसने, कहा फिर ये बात करते हैं कि कैसे जो हमारे पार्ट है वो कैसे ऑर्गेनाइज हुए हैं उनके बारे में बताती है, कि मतलब किसी स्ट्रक्चर में कौन से भाग में कौन सा पार्ट है, ये सब बात करते हैं हमें किसमें, एनाटॉमी में बात करते हैं, यानी क्या बताती है कि उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी बताती है और उसका स्ट्रक्चर बताती है, और कैसे कैसे हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है वो क्या हुए, ऑर्गेनाइज हुए हैं मिल करके, कहाँ कहाँ कौन कहाँ स्थित है, ये सब बात करते हैं हमारे एनाटॉमी में। तो फ्रेंड्स, जो हमारी एनाटॉमी में उसको क्या है, उसको डिवाइड किया गया है, फर्दर कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उन्हीं पार्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सही है, आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, जो हमारी एनाटॉमी है उसको क्या, उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे पहला फर्स्ट पार्ट है हमारा ग्रोस एनाटॉमी के, और सेकेंड पार्ट है हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो फ्रेंड्स, उन्हीं के बारे में जानेंगे कि ग्रोस एनाटॉमी में कौन कौन से किसको रखा गया है, और मतलब माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में किसको रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ग्रोस एनाटॉमी के। प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर कीजिए, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिल सके और अच्छे से अच्छा लेकर के आ सकूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं ग्रोस एनाटॉमी के बारे में। तो ग्रोस एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि बड़े पैमाने पे बात करते हैं उसमें, ग्रोस का मतलब बड़े पैमाने पे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ ग्रोस एनाटॉमी। तो ग्रोस एनाटॉमी क्या कहती है फ्रेंड्स, सरफेस एनाटॉमी, ये इसको फर्दर डिवाइड किया गया है सरफेस एनाटॉमी में, रीजनल एनाटॉमी में, और इसमें सिस्टमिक एनाटॉमी में, और हमारे डेवलपमेंट एनाटॉमी में, इसको हमें डिवाइड किया गया है हमारे ग्रोस एनाटॉमी को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एनाटॉमी क्या होती है हमारी। तो फ्रेंड्स, सरफेस एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ, क्या करती है, स्टडी करती है किसी सुपरफेशियल मार्किंग की, मतलब सुपरफेशियल का मतलब बाहर वाली, जैसे हमारी स्किन हो गई तो क्या है सुपरफेशियल हो गई, तो मतलब आउटर सरफेस होगी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, किसमें स्टडी करेंगे हम,
मतलब इसमें स्पेशल में सरफेस एनाटॉमी में, तो ये स्टडी करते हैं कि इसमें सरफेस एनाटॉमी में स्टडी करते हैं, एक सुपरफिशियल मार्किंग के बारे में स्टडी करते हैं। तो सेकंड बात करते हैं रीजनल स्टडी के बारे में, मतलब रीजनल एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड रीजनल जो एनाटॉमी होती है हमारी, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम बात करते हैं किसी स्पेसिफिक रीजन के बारे में, किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में, कि भाई हम बात कर रहे हैं किसी हार्ट के बारे में बात करें स्पेसिफिक है, कोई लंग्स के बारे में बात करें, किसी स्पेसिफिक के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम किस में रखते हैं, उसमें हम उसको हम रखते हैं किसमें, अपने रीजनल एनाटॉमी में रखते हैं। थर्ड बात करते हैं हम सिस्टमिक एनाटॉमी, मतलब सिस्टमिक एनाटॉमी का मतलब जैसे जैसे यहाँ पे टर्म ही इंडिकेट कर रही है, सिस्टमिक एनाटॉमी, सिस्टमिक का मतलब पूरे सिस्टम के बारे में बात करेंगे, इसमें पूरे सिस्टम की एनाटॉमी जानेंगे कि उस कैसे कैसे उसकी स्ट्रक्चर होता है, ये सब बात करेंगे सिस्टमिक एनाटॉमी में। तो फ्रेंड्स थर्ड होती है हमारी, मतलब लास्ट है हमारा डेवलपमेंट एनाटॉमी। तो फ्रेंड्स डेवलपमेंट एनाटॉमी क्या कहती है हमारी बात, जो हमारी डेवलपमेंट एनाटॉमी है उसमें कहा गया है कि चेंज फ्रॉम कंसेप्शनल टू द फिजिकल मैच्योरिटी। फिजिकल मैच्योरिटी का मतलब कैसे, कंसेप्शन मतलब क्या, कि हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो मैच्योरिटी आती है, भाई बच्चे जैसे कहते हैं एडोलसेंट एज में होते हैं, फिर टीनेजर्स में टीनेजर्स होते हैं, एडोलसेंट होते हैं, तो क्या होती है मैच्योरिटी आती जाती है ना, तो उसी के बारे में बात करते हैं हम डेवलपमेंट में। मतलब डेवलपमेंट टर्म ही आपको इंडिकेट करे, यानी विकास हो रहा है किसी चीज़ का, डेवलपमेंट हो रहा है यानी विकास हो रहा है, तो उसको कहेंगे हम डेवलपमेंट एनाटॉमी में बात करेंगे। तो फ्रेंड डेवलपमेंट एनाटॉमी में यहाँ पे कहा गया है कि मतलब क्या है, कंसेप्शनल और फिजिकल मैच्योरिटी, कि कंसेप्शन से चेंज होना फिजिकल मैच्योरिटी में, इसकी हम बात करेंगे अपने डेवलपमेंट एनाटॉमी में। तो फ्रेंड्स ये बात की, ये बात थी हमारे ग्रोस एनाटॉमी की बात थी। तो ग्रोस एनाटॉमी को फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है, सरफेस एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, स्पेसिफिक एनाटॉमी और डेवलपमेंट डेवलपमेंट एनाटॉमी। तो फ्रेंड्स ये बात होगी हमारी ग्रोस एनाटॉमी की। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं स्पेसिफिक एनाटॉमी की, स्पेसिफिक एनाटॉमी मतलब बात करते हैं किसकी, सेकंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की। अब माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत सूक्ष्म, मतलब छोटे, बहुत छोटे लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर, जिसको आप हिंदी में सूक्ष्म कहते हो तो उसको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है यहाँ पर, किसमें, दो में क्या गया है, साइटोलॉजी में डिवाइड किया गया है और हिस्टोलॉजी में डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं साइटोलॉजी का मतलब, तो साइटोलॉजी का मतलब होता है फ्रेंड स्टडी ऑफ सेल। हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें सेल के बारे में स्टडी करेंगे, हम एक पर्टिकुलर सेल लेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर बात करते हैं हम हिस्टोलॉजी के बारे में, सेकंड हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे, किसी एक टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड जैसे आपको पता होगा या आपने पढ़ा होगा कहीं पे, जैसे जो हमारा क्या होता है सेल होता है, हमारा कोई एक सेल होता है, वो क्या होता है हमारी एक क्या होगा फंडामेंटल यूनिट होता है। तो क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा सेल होता है वो एक फंडामेंटल यूनिट होता है हमारी बॉडी की। जैसे आप क्या है, जैसे आपने कोई घर बनाया है, तो घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, आपको ईंट चाहिए। तो क्या हुआ, उस मकान की, उस घर की क्या एक फंडामेंटल यूनिट क्या है, ईंट हो गई, यानी ब्रिक्स हो गई। तो इसीलिए जो हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है या एनिमल बॉडी होती है, किसी उसकी एक फंडामेंटल यूनिट वो क्या होती है, सेल होती है, जिसको आप बेसिक यूनिट भी कहते हैं, उसको सेल कहते हैं। तो सेल से ही मिलकर, कई सेल जब मिलते हैं, ग्रुप बनता है सेल का, तो सेल मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो फ्रेंड ये बात हो गई हमारी साइटोलॉजी, मतलब सेल से, लिख देता हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं साइटोलॉजी यानी, और मतलब हिस्टोलॉजी का मतलब टिश्यू। तो फ्रेंड्स ये बात होगी हमारी साइटोलॉजी मतलब सेल की, और हिस्टोलॉजी मतलब हमारे टिश्यू की बात होगी। तो फ्रेंड्स ये होगी हमारे बात इनकी। तो फ्रेंड्स जो हमारा सेल होता है वो क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। कई सेल मिलते हैं तो एक टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू बनता है। कई टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है। एक कई ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है, एक सिस्टम बनता है। एक सिस्टम मिलता है तो क्या बनता है, हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। उसके बारे में आपको फर्दर आपसे बात करूंगा, उसके डायग्राम के अनुसार आपसे बात करूंगा। अभी हम बात करते हैं इसमें, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी अभी हमारी एनाटॉमी हो गई, अब बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये जो टर्म थी हमारी एनाटॉमी, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ करने वाला हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट। तो फ्रेंड अब बात करते हैं हम फिजियोलॉजी के बारे में, फिजियोलॉजी क्या कहती है हमारी। तो फ्रेंड्स बात करते हैं फिजियोलॉजी की, यानी फिजियोलॉजी क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या कहती है, कि फिजियोलॉजी क्या कहती है। फिजियोलॉजी का स्टडी ऑफ,
कि फिजियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन। क्या ये नॉर्मल फंक्शन के बारे में बात करती है, किसी सेल की, किसी ऑर्गन की, किसी टिश्यू की या किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के बारे में जानेंगे, किसी सेल के फंक्शन के बारे में, किसी ऑर्गन के फंक्शन के बारे में, तो उसको हम बात करते हैं, उसकी हम बात करते हैं किसमें, फिजियोलॉजी में बात करते हैं, यानी उसके फंक्शन क्या है, उसके नॉर्मल फंक्शन क्या है, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो फ्रेंड्स प्लीज शेयर, प्लीज शेयर, ताकि मजा आए पढ़ाने में और अच्छा लगे मुझे पढ़ाने में, अच्छे से अच्छा लेकर के आ सकूं। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं उसके टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड ये बात हो गई हमारी डेफिनेशन की, फिजियोलॉजी के मतलब फंक्शन के, नॉर्मल फंक्शन के बारे में। अब फर्दर उसको डिवाइड किया गया है, कुछ टाइप में डिवाइड किया गया है हमारी फिजियोलॉजी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 टाइप में डिवाइड किया गया है फिजियोलॉजी को। तो फ्रेंड्स वन बाय वन स्टडी करते हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं हम सेल फिजियोलॉजी के बारे में। जैसे आपको टर्म ही इंडिकेट कर रही है, सेल एंड फिजियोलॉजी मतलब सेल की फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें हम बात करेंगे सेल की फिजियोलॉजी के बारे में, सेल के बारे में बात करनी है हमें, तो मतलब सेल की फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, यानी सेल सेल्स की स्टडी करेंगे इसमें हम, सेल्स के फंक्शन की स्टडी करेंगे, यानी सेल के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल फिजियोलॉजी। स्पेशल मतलब किसी के आगे, स्पेशल फिजियोलॉजी मतलब स्पेशल मतलब किसी एक स्पेशल ऑर्गन के बारे में, यानी पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे हम अपने स्पेशल फिजियोलॉजी में। यानी कि हमने एक पर्टिकुलर ऑर्गन लिया, जैसे हार्ट ले लिया हमने यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे उस हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे पर्टिकुलर हम। तो क्या हुआ, उस हार्ट के बारे में ही, उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, तो उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे, तो उसको कहेंगे हम क्या, स्पेशल फिजियोलॉजी में रखेंगे उसको। तो थर्ड बात करते हैं हम सिस्टमिक फिजियोलॉजी के बारे में। सिस्टमिक फिजियोलॉजी का मतलब किसी एक सिस्टम के बारे में, मतलब पूरा सिस्टम जो हमारा बन चुका है, अब उसके फंक्शन के बारे में देखेंगे, उसमें क्या क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तो उसको हम रखेंगे अपनी सिस्टमिक फिजियोलॉजी में। तो फ्रेंड सिस्टमिक का मतलब पूरा सिस्टम ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं पैथोलॉजिकल के बारे में। पैथोलॉजिकल सिस्टम में क्या कहता है, हमारी जो पैथोलॉजिकल हमारी फिजियोलॉजी होती है उसमें बात करते हैं हम फ्रेंड्स। पैथोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ डिसीज, मतलब क्या इफेक्ट हुए हैं डिसीज के हमारी बॉडी पर, उसको हम स्टडी करते हैं हमारी इसमें पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारी पैथोलॉजिकल स्टडी होती है उसमें हम यही जानते हैं कि क्या क्या इफेक्ट, कोई डिसीज हुई है तो उस डिसीज के क्या क्या इफेक्ट हुए हैं हमारी बॉडी पर, तो उसको हम रखते हैं अपनी पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी में। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई हमारी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इफेक्ट्स ऑफ स्टडी का इफेक्ट लिख देता हूँ, रफ करता हूँ उसको, इफेक्ट ऑफ डिसीज। क्या क्या इफेक्ट हुए हैं डिसीज के हमारी बॉडी पे, उसको हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी में रखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे एक टर्म आती है हमारी डिसीज। अब बात करें डिसीज होती क्या है, तो फ्रेंड तो डिसीज क्या है, एनीथिंग एन अपसेट द स्ट्रक्चर एंड वर्क ऑफ आर बॉडी। इसने कहा कोई भी ऐसी रिएक्शन हो या कोई ऐसी चीज हो जो क्या कर रही, जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज कर दे या हमारी बॉडी का वर्क चेंज कर दे, उसका फंक्शन चेंज कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिसीज कहते हैं। तो ये बात हो गई हमारी डिसीज की। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, लास्ट लेक्चर में बात करेंगे अपने फर्दर टॉपिक के बारे में, बात करेंगे सेल्स वगैरह के बारे में, बात करेंगे जो आगे इसका टॉपिक है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन कमेंट। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो फ्रेंड्स इसीलिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। तो फ्रेंड्स तब तक के मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग।